नमस्कार। 23 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 23 सितंबर 1996 रात को 10 बजे इनका जन्म हुआ। वृषभ लगन मकर राशि की कुंडली, यानी लगन का मालिक शुक्र, राशि का मालिक शनि, चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं। बहुत अच्छी बात होती है जब लगन और राशि की आपस में मित्रता हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में तरक्की के लिए एक नई स्थिति को पैदा करने में सक्षम है। यानी लगन होता है शरीर, राशि होती है मन। जब दोनों के मालिक आपस में मित्रता रखें तो ये अच्छे संयोग का इंडिकेशंस है। कुंडली स्थिर लगन की है, पृथ्वी तत्व लगन की है। व्यक्ति के अंदर गंभीरता है, स्वभाव में स्थिरता है। व्यक्ति मचलेगा नहीं, अपने स्थान से डिगेगा नहीं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग स्थिर स्वभाव रखते हुए जीवन में अपने एम को धीरे 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 करके पा ही लेते हैं। उस हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि जब लगन पे होती है तो ये व्यक्ति से स्वयं के लिए, यानी व्यक्ति की लड़ाई स्वयं अपने आप को सिद्ध करने में लग जाती है। यानी थोड़ा जद्दोजहद लाइफ में ज़्यादा होती है, लेकिन सक्सेस भी होती है, क्योंकि शनि भाग्य भवन और कर्म स्थान के मालिक हैं। योग कारक होके बार एकादश में बैठे हैं। जब शनि के साथ केतु होता है तो ये एक प्रोफेशनली मति भ्रम का भी योग होता है। ऐसे योगों में देखा है जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए, कोई काम चल रहा था ठीक ठाक, पता नहीं मन में क्या आया, काम छोड़ दिया, दूसरे लाइन में लग गए। कोई नौकरी बहुत अच्छी प्राप्त करी, एकदम दिमाग घूम गया, किसी दूसरे लाइन में लग गए। यानी आप अपने प्रोफेशन को लेकर कभी भी भ्रमित हो सकते हैं इस योग के लेके। इसलिए जीवन में भ्रमित होने से बचिएगा। ये योग प्रोफेशन के लिए एक नाशक योग कहलाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। क्योंकि जहाँ शनि केतु के साथ है, वहीं सूर्य इस कुंडली में राहु के साथ ग्रहण दोष में पंचम भाव में है। पंचम भाव में सूर्य राहु का संयोग जब ग्रहण दोष के अंदर लिप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की बुद्धि, कहते हैं मेरी बुद्धि किसी ने हर ली, या मेरा दिमाग ठीक समय पर काम नहीं करा, मैंने अपना नुकसान कर दिया। पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, वहाँ पर ग्रहण दोष बनता है, व्यक्ति अपना स्वयं नुकसान करता है। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, जब उसमें ग्रहण दोष बने तो व्यक्ति को जीवन में संतान प्राप्ति में कठिनाइयां होती हैं। इसलिए आप जिससे भी कभी भी विवाह करें, उसकी कुंडली में संतान का योग जरूर दिखा लें। चंद्रमा धनु राशि हो मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और मकर राशि को साढ़े साती का दूसरा चरण भी चल रहा है। तीसरे घर का मालिक चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, यानी व्यक्ति टूर से, स्थान से, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, अन्य स्थानों से जुड़कर अपना भाग्य बदलेगा। मंगल भी उसको देख रहा है, जो कि सप्तमेश और द्वादशेश है। इसका मतलब है व्यक्ति के जन्म स्थली से इधर उधर उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, जिसको कह सकते हैं जीवन में ट्रांसफरेबल जॉब्स, क्योंकि साथ में शुक्र भी है। लग्नेश, सप्तमेश, द्वादशेश, मंगल शुक्र का संयोग तीसरे घर में व्यक्ति का स्त्री के प्रति आकर्षण देता है, जीवन में लव अफेयर्स कराने में सक्षम है, और ये स्थिति आपको लव मैरिज तक कराने में भी सक्षम हो सकती है। तो वो संयोग यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। बुध का संयोग बहुत अच्छा इस कुंडली में। बुध बैठे हैं चौथे घर में, एजुकेशन का भी कारक है, शिक्षा का कारक है, धन का, वाणी का कारक है, चौथे घर में बैठा है। व्यक्ति अगर चाहे अपने जीवन में अपनी एजुकेशन के बल पर बहुत कुछ अच्छा करने में सक्षम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। बृहस्पति अष्टम भाव में अष्टमेश होकर बैठता है, इसको कहते हैं पैतृक संपत्ति का लाभ। घर परिवार से जरूर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलता है, और व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर अच्छी संपत्ति बनाने में भी सक्षम होता है। यानी उसको कह सकते हैं वो अपने बल पर मकान बनाने में सक्षम है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख व्यक्ति को मिलता है। बृहस्पति चौथे घर को देख रहे हैं, शिक्षा के कारक बुध को भी देख रहे हैं। ये बुद्धि और ज्ञान के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जितने भी योग किसी कुंडली के अंदर होते हैं, जब तक सही समय पर सही दशा नहीं मिले, तब तक आप ये समझ लीजिए उन योगों का फायदा नहीं होता। आपकी 23 वर्ष की लगभग उम्र है, और इसमें आप ये समझिए राहु की महादशा आपको चल रही है। राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में, पंचम भाव में राहु है, सूर्य के साथ है, ग्रहण दोष में लिप्त है।
जब पंचम भाव ग्रहण दोष में लिप्त हो और ये पूर्व पुण्य का भाव भी कहलाता है, इसलिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्ज है जो अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। किसी गलती को बाद उतारना पड़ेगा, भी कोई गलती उससे हो गई, ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी हाथ में आई चली गई, वो भी एक दोष था जो उसका उतर गया, लेकिन बाद में वो स्थिति तरक्की लायक होगी। सूर्य और बुध का यहाँ राशि परिवर्तन योग है। सूर्य बुध की राशि में, बुध सूर्य की राशि में और राहु उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए राहु के भीतर ये क्षमता बढ़ गई कि राहु अपनी दशा में तरक्की देने में सक्षम है। और आपने 2019 में HP में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी भी प्राप्त कर ली है, तो ये उस चीज़ को दर्शाने वाली स्थिति है कि एक तो राहु पंचम त्रिकोण में बैठा, राशि परिवर्तन वाले करने वाले ग्रहों के साथ बैठा और लग्नेश की अंतर्दशा आई, यानी शुक्र की अंतर्दशा, सितंबर 17 से सितंबर 20। राहु में शुक्र हो या शुक्र में राहु हो, ये जीवन में हमेशा कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन करने वाली दशाएं होती हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ सूर्य राहु के साथ, शनि केतु के साथ, दशमांश प्रोफेशन के चार्ट में सूर्य लग्न में और शनि अष्टम में, जब इस प्रकार का संयोग होता है, ऐसे व्यक्ति मैंने कुछ देखे हैं जो अच्छी खासी लगी लगाई सरकारी नौकरी को छोड़ देते हैं। उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है कि उनका निर्णय गलत हो जाता है और वो नौकरी को छोड़ देते हैं। आपका मुझसे सवाल भी है, क्या मैं आगे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होगा? देखिए सितंबर 20 तक शुक्र चल रही है दशा में, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद आएगी राहु में सूर्य, फिर आएगी राहु में चंद्रमा, फिर आएगी राहु में मंगल। दशाएं आपको लगातार आगे ऐसी हैं कि जिसमें आप प्रोग्रेसिव रहेंगे। लेकिन बहुत ख़ास हिदायत मैं आपको देना चाहूँगा कि भैया निर्णय गलत मत लेना। कभी कभी लोग बागों की बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है कि वो वर्तमान की नौकरी को छोड़ के पढ़ाई करने चले गए, कोचिंग लेने चले गए, नौकरी छोड़ दी, सिलेक्शन हुआ नहीं, पहली नौकरी भी नहीं रही, बात की भी नहीं रही। क्योंकि ये कांस्टेबल से तो ऊपर की जॉब वाली कुंडली दिखती है, लेकिन सिविल सर्विसेज के द्वारा सिलेक्शन लेने की कुंडली ये नहीं है। आप अपने ही क्षेत्र में किसी हायर पोस्ट के लिए ट्राई करो, लेकिन IAS, PCS, सिविल सर्विसेज, SDM, PCS के ऐसा वाले योग वाली ये कुंडली नहीं है। हाँ, आपके ही क्षेत्र में आपको कोई A1 star, 2 star उसके लिए कोई प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़े या कोई वैकेंसी और कहीं बाहर निकले, वो आप ज़रूर भरिए, आपको उसमें तरक्की मिलेगी। लेकिन भ्रमित होने से बचिएगा, जब तक कोई चीज़ मजबूत स्थिति से हाथ में ना आ जाए, नौकरी गलती से भी मत छोड़ देना, किसी के बहकावे में आके भी मत छोड़ देना। तो आगे की स्थितियाँ फ्यूचर के हिसाब से देखें, राहु की दशा, क्योंकि राहु देखिए यहाँ थर्ड हाउस में है, तीसरे घर में राहु प्रोफेशन के चार्ट में हो तो अपनी दशाओं में स्थान परिवर्तन कराता रहता है, तो ऐसा आपके साथ होगा भी आगे। लेकिन राहु की दशा कोई आपके लिए खराब दशा नहीं है। आपकी ऑरस्कोप में एक चीज़ का और कॉमन फैक्टर दिखता है, देखिए यहाँ बुध और बृहस्पति मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, शनि से दृष्ट हुए हैं। ऐसी स्थितियों में कभी कभी देखा गया है कि व्यक्ति जीवन में किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर, किसी शिक्षा संस्थान से जुड़कर कहीं ना कहीं अलग से काम भी करता है। जैसे एक तरफ तो आप कर रहे हैं नौकरी, बाद में आपको समय मिल रहा है तो आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, वैसा भी योग इसके यहाँ दिखाई दे रहा है। माता पिता की सेहत कैसी रहेगी? देखिए आपके हिसाब से देखें तो आपकी माता पिता की सेहत के लिए मुझे इसमें कोई नकारात्मक योग दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ा पिता की सेहत के लिए चिंता है, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी स्थिति नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपका चार्ट देख रहा हूँ, आपके चार्ट से मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बाकी माता पिता की अपनी कुंडली अलग होती है, उनके और भी बच्चे होंगे, उनके भी प्रभाव होगा उस पर। बिजनेस और जॉब, नौकरी ही चलती रहेगी, बिजनेस मैंने आपको बता दिया, साइड बाई साइड अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन आदि आप कर सकते हैं, बिजनेस वाला कोई कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है। विवाह वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं। राहु की दशा चल रही है, अभी राहु में चल रहा है शुक्र, शुक्र राहु का संयोग जब इस कुंडली में बन रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ना कोई लव रिलेशन चलने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी आपको चल रही है राहु में शुक्र और ये एक विवाह से संबंधित स्थिति मुझे दिखती है। और अभी तो आपकी उम्र 23 साल ही है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य, सूर्य के बाद आएगी आपको दशा चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद मंगल। आगे लगातार काफ़ी दशाएं हैं आपको जो शादी करा सकती हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं और अच्छी पोस्ट हासिल करना चाहते हैं,
तो मैं आपको जीवन में एक अच्छी सलाह दूं कि फरवरी 24 से अप्रैल 26 के बीच जब बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा आपको आएगी, वो समय एक ऐसा होगा आपके जीवन का जिसमें आप एक शादी का निर्णय लीजिए। उससे पहले सिर्फ तैयारी कीजिए और इससे भी अच्छी नौकरी प्राप्ति के लिए तैयारी कीजिए। शादी का अच्छा योग दिखाई देता है मुझे फरवरी 24 से अप्रैल 26 के बीच में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ये चीज़ें निर्भर करती हैं आपकी अपनी पत्नी की कुंडली पर भी। पत्नी आपकी ठीक ठाक होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि वो वर्किंग होगी, क्योंकि मुझे बहुत कम लगता है कि वो वर्किंग होंगी। तो वैवाहिक जीवन हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांगलिक आप नहीं हैं। जानकारी में विवाह या लव मैरिज के भी योग आपको यहाँ बनते हैं। विवाह के लिए मैंने आपको समय बता ही दिया है। संतान में पुत्र और पुत्री आपके हिसाब से देखें तो मुझे ज़्यादा जो योग दिखाई देते हैं वो पुत्री के योग ज़्यादा दिखते हैं। ये बाकी स्थितियाँ स्त्री की कुंडली से ज़्यादा पता लगती हैं। हेल्थ वाइज कोई बड़ा इशू मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनेंस इन फ्यूचर, भविष्य में देखिए फाइनेंस की स्थिति की आप चिंता ना कीजिए। राहु की दशा है, उससे अगली बृहस्पति की दशा है, दोनों ही ग्रह धन से संबंधित हैं। धन की स्थिति आपको लगातार बनी रहेगी, बस अब अपने दिमाग को सेंटर में रखिए, निर्णयों से मत भटकिएगा, गलती मत कीजिएगा। जब तक राहु की दशा चले, राहु सूर्य के साथ है, रोजाना अपने नियम से आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। रोज सुबह उठो, नहाओ, दो भगवान सूर्य देव का स्तोत्र है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, वो संस्कृत हिंदी दोनों में होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करो एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की माला का जाप आप रोजाना 2 से 3 माला का जाप, इस मंत्र की माला का जाप करो। तीसरी चीज, एक अच्छा सा पन्ना रतन आप धारण कर लो, आपकी एजुकेशन के लिए, बुद्धि के लिए, सभी प्रकार से बहुत बढ़िया यहाँ रहने वाला है। एक अच्छा सा पन्ना रतन आप यहाँ धारण कर लीजिए। आपको चाहिए तो आप मुझसे भी वरदान प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको रिंग बनाकर यहाँ से भेज भी सकता हूँ। तो ये था आपके होरोस्कोप का एनालिसिस। आपको किसी प्रकार की परेशानी की जरूरत नहीं है, अपने निर्णयों पर संयम रखिएगा और अपना टारगेट बना के तैयारी कीजिए। आप जीवन में इससे भी अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज वाली जो बात है वो इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। नमस्कार।